नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जम्मू कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क की ओर ले चलेंगे। ये नेशनल पार्क श्रीनगर में स्थित है। ये नेशनल पार्क की विशेषता यह है कि ये हिमालयन ब्लैक बेयर और कश्मीरी स्टैग यानी हांगुल के लिए जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दाचीगाम नेशनल पार्क की ओर। दाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर डल झील के ईस्ट में स्थित है। पार्क में प्रवेश के लिए वन विभाग की अनुमति के साथ साथ प्रवेश शुल्क भी देना होता है, और अगर आपके पास में कैमरा आदि है तो उसका भी शुल्क जमा करना होता है। पार्क के कुछ क्षेत्र में गाड़ी ले जाने की सुविधा है, लेकिन उससे पहले पूरी गाड़ी का निरीक्षण होता है और अंदर हॉर्न बजाना बिल्कुल मना होता है। दाचीगाम दो हिस्सों में है। लोअर दाचीगाम में पर्यटक आसानी से जा सकते हैं, जबकि अपर दाचीगाम घूमने के लिए पूरे दिन का समय चाहिए होता और यह यात्रा थोड़ी कठिन भी है। कश्मीरी भाषा में दाचीगाम का अर्थ 10 ग्राम होता है, यानी 10 विलेज। कभी इस पार्क के अंदर 10 गांव रहा करते थे, जिनको कि नेशनल पार्क बनने के बाद उन्हें यहां से रिलोकेट कर दिया गया। 141 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय के जबरवन पर्वतमाला में स्थित है। उच्च ऊंचाई वाले शीतोष्ण क्षेत्र में ये आता है। इसकी ऊंचाई 5,500 फुट से 14,000 फुट तक की है। ऊंचाई में इतनी विविधता के कारण यहाँ हल्की ढलान वाली घास भूमियों से लेकर ऊंची चट्टानें व पहाड़ भी हैं, जिनकी झलक हमें आगे दिखेगी। लेकिन अभी चलते हैं पार्क के भीतर स्थित ट्राउट फिश के ब्रीडिंग सेंटर पर। ट्राउट फिश ठंडे पानी में पनपने वाली मछली है, इसी कारण भारत के कुछ ही स्थानों पर इसकी ब्रीडिंग होती है। ये एक कीमती मछली है और आसानी से सब जगह नहीं मिलती। अमूमन ये 5 स्टार होटल वगैरह में सर्व होती हैं, लेकिन यहाँ सैलानियों के लिए ये सुविधा है कि अगर वो यहाँ घूमने आते हैं तो इस मछली को खरीद के ले जा सकते हैं। पार्क में घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून तक का होता है। यहाँ सैलानियों की सुविधा के लिए रेस्ट हाउस वगैरह भी हैं, उसमें भी आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और रेस्ट हाउस के आसपास का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। पार्क के भीतर कुछ फलों के वृक्ष भी हमें दिखाई दिए, कुछ सीढ़ी नुमा खेत भी दिखाई दिए, क्योंकि पहले यहाँ पे गांव हुआ करते थे तो ये सब चीज़ें तब की ही होंगी। हमारे गाइड ने बताया कि फलों के अलावा यहाँ पर जानवर पेड़ों के ऊपर बैठ के अखरोट खाते हैं और उसके छिलके नीचे गिरा देते हैं, जिसके निशान भी हमें दिखाई दिए। पार्क के बाहर हमें एक सेबों का बाग दिखा, जहाँ के मालिक ने हमें 2-4 सेब खाने के लिए ऐसे ही तोड़ने दिया।
दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध डल झील के जल ग्रहण क्षेत्र का लगभग आधे क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता है और आज भी श्रीनगर के निवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पार्क में करीब 140 से भी ज़्यादा प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा वन्य जीवों में यहाँ पर कश्मीरी हांगुल, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, कश्मीरी घूसर लंगूर, चीता बिल्ली, हिमालयन ब्लैक बियर, पहाड़ी लोमड़ी आदि यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये देखिए सामने हमें एक हिमालयन ब्लैक बियर दिखाई दे रहा है। अंधेरा काफ़ी हो चुका है लेकिन हमारे गाइड ने बताया कि इसी समय इन जानवरों के मूवमेंट दिखाई देते हैं, तो बिना आवाज़ करे धीरे धीरे चलिए। इस समय भालू के मूवमेंट हैं जंगल में और भी दुख सकते हैं। इन जंगली जानवरों को देखने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। हल्की सी ही आहट से ये इतनी दूर निकल जाते हैं कि कैमरे तो क्या ये दूरबीन में भी नज़र नहीं आते हैं। जानवर को देखने का जो थ्रिल हमारा था उसको हमने ऐसे ही रा फुटेज आपके सामने रखा है। हम जब भी जंगल में जाते हैं, जानवर दिखे या ना दिखे, वहाँ के सन्नाटे को, वहाँ की पेड़ पौधों की आवाज़ को, सूखी पत्तियों की आवाज़ को महसूस करके भी हमें बहुत रोमांचित महसूस होता है। दूर से ही सही लेकिन 3-4 भालू ने जंगल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। अंधेरा काफी हो गया था और पार्क से बाहर निकलने का समय आ गया था। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।